चलो बाय बाय टाटा टाटा, स्कूटी की गाड़ी बना दी, इतना तो गाड़ी में भी नहीं ले जाता होगा कोई सामान। कान्हा जी भी आज जाएंगे, कान्हा जी भी हमारे पास ही थे 15 दिन से। ओ बस अब चलते हैं, अपना कोरी बिस्तर ठा गए, फिर आइयो फिर मिलियो हमें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और ये दोपहर का टाइम हो चुका है, उसी दिन जब इंदु आई थी, और यहाँ पे बस हमने खाना बनाने की कर दी है तैयारी। और ये वीडियो मुझे लग रहा थर्सडे की है, हाँ जी थर्सडे की है दोपहर की, और मैं उसमें आई थी वेनसडे में। और यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ हमारी दोनों बहनों की बातें भी चल रही हैं देखिए साथ साथ, और खाना भी हम बना रहे हैं। और खाने में मैं बना रही हूँ साबुत उड़द और चावल। साबुत उड़द जो मम्मी ने दिए थे वही वाले, तो काफ़ी सारे हैं, मैंने सोचा चलो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, जब हैं तो बना लेती हूँ। और राजमा सोच रही थी पहले उसके अंदर मिलाने के लिए, लेकिन राजमा नहीं था मेरे पास, ख़त्म हो रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने खाली बना लिए। और यहाँ बस हम दोनों बहनों के देखे बातें भी चल रही है और खाना बन भी रहा है। और उधर रखे हैं गैस पे मैंने चावल रख दिए, चावलों का पानी, और दाल मैंने पहले ही रख दी थी उबलने के लिए, उसमें सिर्फ मैंने अभी हल्दी डाली थी और नमक डाला था। और अब बस तड़के की तैयारी कर रही, तड़का रख दिया मैंने कढ़ाई में, और उसमें बस फिर मैं डालूंगी कुछ और मसाले जो नहीं डाले, हल्दी भी थोड़ी डाल ली थी और नमक भी। अब फिर जब तड़का लगाऊंगी तब इसमें डाल दिया, तो मैं शायद इसकी गैस वगैरह निकाल रही थी तो इंदु ने डाल दिया उसमें मसाले। और अब बस टमाटर वगैरह डाल के छोड़ दिए, वो पक जाएंगे अच्छे से। और अब जब तक टमाटर पकेंगे तब तक मैं अपना जो भी सामान मुझे उठाना रखना करना, आटा वगैरह छानना बनाना, वो कर लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टमाटर आजकल पता नहीं सॉफ्ट से नहीं आ रहे, हार्ड से हैं ये मेरे पास रखे, पता नहीं मतलब यही है या सारे ऐसे आ रहे, तो फिर उसमें पानी डाला थोड़ा सा तब जाके बॉईल से हुए हुए। और उधर चावल डाल दिया इंदु ने, पानी गर्म हो गया था, मैंने चावल डाल दे इसमें। तो यहाँ दोनों देखे लगातार लग रही है बातों में भी, और लगातार दोनों कामों में भी लग रही है, तो दोनों काम हमारे साथ साथ चल रहे। और जब काफ़ी दिन में मिलते हैं तो सारी बातें ही होती हैं, जो जहाँ जाता है या क्या, जैसे हम घर भी गए और इंदु वहाँ पे भी गई, मेरी बहन के पास भी गई थी मोनी के भी, तो वो ही सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं, कैसा कैसा क्या है। और बस यहाँ पे हमारा काम भी चल रहा। उधर इसके पापा गुड्डू के देखे अमरूद काट रहे हैं, वे कह रहे कि खा लो, मैं कह भी रही, मैं कहा अभी तो खाना बन गया, बस अब खाना खा लियो, अभी क्यों खा रहे, फिर भूख नहीं लगने की। लेकिन उनको ना थोड़ा बहुत मुंह चलने के लिए चाहिए, थोड़ा सा जब भी फ्री होते हैं तो कुछ ना कुछ लेने के लिए वे आ जाते हैं। और यहाँ बस दाल बन गई, दाल में तड़का लग गया, आटा मैंने बना दिया, चावल बन गए हमारे, अब बस रह गई है रोटी बनने के लिए। तो ये रुई आई है मेरे पास मोबाइल लेके कि मम्मा इसमें ये चल नहीं रहा, असल में मेरा जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन हो रही है ख़राब, तो वो ना कई बार जैसा चलाओ जाओ टच नहीं होता स्क्रीन उसकी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, तो वो जो चलाना चाह रही इसमें वो चल नहीं रहा। मैंने भी कोशिश कर ली, मैं कह रही मगर बेटे अभी इसे थोड़ी देर रख दे फिर चला ली, अभी नहीं चलेगा, तो वो लेके चली गई है। और यहाँ बस हम बनाना शुरू कर रहे हैं रोटी, दाल चावल तो बनी गए हैं, और अभी कोई खा भी नहीं रहा था, मैं इंदु को कह भी रही थी, मैं कला मैं बना दूँ तुम खा लो, क्योंकि इनको अब जाना है उधर, तो वैसे तो ये पहले ही कह रही थी कि जाना है मैं पहले ही, फिर मैंने कहा मैं नहीं खाना खा के चले जाइयो, क्योंकि फिर अभी तो देखो 15 दिन से घर बंद है तो ऐसा ही पड़ा होगा एकदम से, अभी नहीं हम जाके खाना बना ले, साफ सुथरा करना होगा पूरा घर तब जाके खाना बनेगा। और मैं नहीं खा के बस फिर मैं भेजूंगी उधर, या फिर कोई लेने आएगा ऐसा होगा, मैं नहीं बस 1-2 घंटा और रुक जाओ, खाना खा के ही तुम चले जाना आराम से, फिर सांझ तक तो यह गैप सा हो जाता है, शाम तक तो काफी टाइम मिल जाता है हमें बीच में, तो जब तक तो अपनी किचन वगैरह क्लीन हो ही जाती है। तो यहाँ पे बस हम खाना बना ही रहे हैं, और इंदु ने भैया को भी फोन कर दिया, मैं कहा खा लेंगे खाना, क्योंकि फिर इनको खाना खा के निकलना है इस वजह से। तो यहाँ बस देखिए लग रहे हैं दोनों अपनी बातों में भी और काम में भी। और देखिए खाना बनके तैयार हो चुका है, और खाने में वही दाल चावल है, शक्कर है, शक्कर चावल के साथ हमारे यहाँ जरूर खाते हैं सभी, मतलब सब तो नहीं है, जिसका मन करे, हम मैं तो जरूर खाती हूँ, और
ज्यादातर सभी ले लेते हैं, कोई एक आध है जो नहीं खाते। तो सबको, बच्चों को पूछ रही हूँ, बच्चों का यही होता है किसी को शक्कर चावल चाहिए, किसी को दाल चावल। तो मैं पूछ पूछ के सबका लगा रही हूँ कि कैसे कैसे किसको क्या खाना। तो मैं सबकी थाली कर देती हूँ तैयार और बस दे दूंगी। और दाल मैंने इसमें ही कर ली है, बाउल में ही, क्योंकि उसमें ही मैंने घी मिक्स कर दिया। मैं कहा कटोरी फिर सबकी अलग अलग देनी पड़ेगी, और उसमें दाल डाल के घी डाल दिया, सारा मिक्स कर दिया, जिससे कि सबके पास उसी में से ही आ जाए, ये नहीं है कि उसे कटोरी में लेना पड़े। तो सबको दे देती हूँ खाना। तो गुड्डू भी आ गई थी स्कूल से, जब भी खाना बना था तो साथ साथ वो भी आ गई है। और अभी उसने देखे ड्रेस भी नहीं चेंज करी, क्योंकि वो सुबह तो लेकर नहीं जाती ना, और 2 ही बज जाते हैं जब तक आती है वापस, तो भूख लगी रहती है। मैं इसको क्या भी रही थी, मगर बेटे पहले ड्रेस चेंज कर ले, तो कह रही मम्मा पहले खाना दे दो फिर बदल लूंगी, भूख लग रही। और बच्चे, टाइम तो हो ही जाता है जब सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और 2 बजे तक आते हैं, भूख तो लगी जाती है। मगर चल कोई बात नहीं, कभी कभी तो हो जाता है ऐसा। तो यहाँ जी सबका चल रहा है खाना। बस उसके बाद थोड़ी देर बाद इसके चाचू भी आ गए थे गुड्डू के, और मैंने भी खा लिया था। पहले मैंने अपना, उसके बाद फिर मैंने अपनी समेट ली थी किचन, जो भी किचन का क्लीनिंग का काम था वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो जी खाना खुना हमारा हो गया, 2:30 बज चुके हैं, और यहाँ देखिए इन्होंने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया और बिस्तरा भी बांध लिया, शुरू क्या कर दिया। और ये अब जा रहे हैं उधर, कल शाम आए थे ना, शाम क्या रात ही आए थे, तो बैग वूग तो सारे इंदु ने पैक कर रखे पहले ही। बस अब चलते हैं, अपना कोरी बिस्तर उठा गए। कृष्णा तू भी जा रहा? 15 दिन बाद जा रही है तो इंदु घर। 15 दिन बाद जाऊंगी मैं। आंटी भी देख रही होगी, है भी मेल घर पूछ भी लियो एक बार, कभी कहीं जा रहे हो? चाबी भी उन्नी पई है। अच्छा तू गाड़ी लेके जा रहा? अच्छा मुझे नहीं लेके जाता क्या अपनी साथ? मुझे भी ले जा भाई। हैं? चलूं? अब फिर कौन लेके आवेगा मुझे उधर से? पापा लाते, पापा तो नु गए मेरे पन टाइम है। तो यहाँ बस जिन की होगी है चलने की तैयारी, फिर यहाँ तक स्कूटी पे ही जाओगे? अच्छा, कान्हा जी भी आज जाएंगे, कान्हा जी भी हमारे पास ही थे 15 दिन से, और ये देखे कान्हा जी भी जाने लग रहे, दोनों लड्डू गोपाल। राधे राधे कान्हा जी। और बेटे तुमने अपने जूते का भी ठा लिया वो लिफाफा? हाँ, तो बस है यो टप्पा तेरे जीजा जी का इधर रख दिया, यो दाल का थैला रख लिया सामान का। तो यहाँ बस जी अब बहन की चलने की तैयारी, रखवा दूँ मैं सामान स्कूटी पर, रखवा दे ला मैं रखवा रही बैग। तो देखिए जी मैं धरवा रही हूँ इनके बैग, भैया लाए हैं स्कूटी, स्कूटी से बैग रखने हैं गाड़ी में, गाड़ी दुकान पे खड़ी है अभी, तो पार्किंग में ही वहीं पे ही रखेंगे सारा सामान। सामान ज़्यादा था तो ऐसे तो जा नहीं सकते, कहीं चक्कर लगते और फिर परेशान भी हो जाते, तो गाड़ी में ही लेके जाएंगे सारा सामान। तो वहाँ पे स्कूटी पे पहले ये बैग तो आया नहीं, ये लेके गई मैं, फिर दूसरा लेके जाऊंगी। अब वो जो छोटा छोटा सामान है एक बैग रख लिया, उसके ऊपर वो आ जाएगा। पहले था कि 2 बैग एक साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पे रख रहे हैं सामान, उसको कर रहे हैं सेट। और इतने दिन हो गए, मुझे तो नो लगेगा अब जा सारे को घुमाया है, तू तो लेगी नहीं थी, मैं तो घुमा लाई सारे को। वह हम तो नीलू भैया अब तो कह भी रहे थे रहने दो कन्हैया आ रहे, मगर नहीं बस मन नहीं मानता, मगर नहीं चलो जी जा रहे हैं बस, चलो बाय बाय टाटा टाटा, फिर आइयो फिर मिलियो हम, जल्दी आइयो।
चलो ठीक है, तो यहाँ बस इनके दो बैग रह गए अभी, अभी दोबारा आएंगे स्कूटी लेके, उस पर लेके जाएंगे। और मैं चली गई पैदल क्योंकि गाड़ी में जाएंगे ना सारा सामान लेके, इसलिए ये रह गया एक बैग, ये रहा एक वो उधर रखा, ये रजाई है, ये भरवाई थी ना मैंने बताया था, मैं एक उधर की तो दो हैं। गाड़ी स्कूटी की गाड़ी बना दी, इतना तो गाड़ी में भी नहीं ले जाता होगा कोई सामान। तो जी चले गए हैं वे, और एकदम से ही खाली सा हो जा घर जाते ही, क्योंकि शाम से तो यही हो रहा था, आएंगे आएंगे और आके अब उधर गए, और काफी दिन हो गए उधर से आए हुए भी, जैसा पता आपको 15 ही दिन हो गए, तो जाना भी जरूरी। मैं कहा चलो, वैसा तो मैं दोपहर से पहले ही कह रहे थे, मैं कहना ही खाना खा के चले जाइयो, तो अभी टाइम बस 3 बजने वाले, ईशु के आने का वेट है, ईशु नहीं आई, गुड्डू तो आ गई थी, और बस अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर इसके पापा को बोलूँगी कि ईशु को ले आएंगे, 3:15 बजे आएगी। चलती हूँ ऊपर, मैं ऊपर, मैंने आज सारे बिस्तरे वगैरह सुखा रखे, ये देखो चारों साइड बिस्तरे, कपड़े तो उतार दिए थे, यहीं रखे धुले हुए तो कल के ही थे, और बिस्तरे भी सुखाए थे और गेहूँ भी, बस बिस्तरे रख देती हूँ क्योंकि अभी बस धूप में ही रख दूंगी गर्म गर्म से, वरना तो फिर एकदम से ठंडे हो जाते हैं। देखिए रिजाई वगैरह सारी सुखा रखी मैंने।